दार्जिलिंग को लाडेनला रोड स्थित गोर्खालिक पार्टी कार्यालय प्रयोग गरेको विरोधमा प्रताप खातीले अदालतमा पेश गरेको मुद्दाको नोटिस एसपी शर्माले अझैसम्म पनि प्राप्त नगरेको बताएका छन्। तर पनि उनले गोर्खालिक पार्टी कार्यालय बारे सुरु भएको विवादको उचित जवाब अदालतमा नै दिने पनि भारती तामाङ पन्थी गोर्खालिक महासचिव एसपी शर्माले बताएका छन्। ये आप बता रहे हैं कि प्रताप खाती जी जिन्होंने एक कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ प्रताप खाती जी की स्टेटमेंट सुनी है, हमारे पक्ष से स्टेटमेंट सुनने के लिए 20 तारीख का उन्होंने डेट दिया है, नंबर वन विषय। दूसरा विषय ये कि प्रताप खाती जी ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ हमें वो लगाया है इस तरह का मुद्दा, वो सुनने में आया मीडिया से, ऑफिशियली चिट्ठी नहीं आए। तीसरी बात, प्रताप खाती जी का बहुत सारा इसमें लूपहोल है, वो लूपहोल में मैं पहला चीज़ तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष हैं भारती तामाङ जी, उनको इस संबंध में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। और आज के डेट में मान लीजिए मैं अगर ऑफिस का सील और स्टैंप यूज़ नहीं करता हूँ, भारती तामाङ जी यूज़ करती हैं, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अध्यक्ष अगर खुद चिट्ठी, लेटर हेड और ये सारा चीज़ अगर यूज़ करती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये किस तरह का नोटिस है हमें ये भी समझना है। दूसरी बात, नोटिस हमें फिजिकली मिली नहीं है, मीडिया के थ्रू से मिली है, तो ये मीडिया की उत्तरदायित्व तो बनती है कि आंसरेबल वहाँ पे रहे। और जहाँ तक हमारी बात है, मीडिया के थ्रू से जानने के बाद हमने लॉयर से संपर्क की है, वो कोर्ट में इस विषय को कानूनी ढंग से जवाब दे रहे हैं, तो उसे मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इसको लेके चिंता करने के विषय है। और जहाँ तक हमारे तरफ से बात है कि ये जनता के पक्ष में मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अगर मार्च महीने के 30 तारीख को एक चिट्ठी दी थी गोर्खालिक पार्टी को और इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट को ही कि गोर्खालिक पार्टी का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस बियरर नहीं है, तो प्रताप खाती जी पहले तो ये साबित करें कि वो कौन है, उनका कमेटी कहाँ है। तो जब जिस व्यक्ति का खुद का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो व्यक्ति अगर कुछ भी बयान दे दे, तो कोर्ट क्या होता है कि उसका पक्ष का सुन लिया, अब हमारे पक्ष का सुनने के लिए एक डेट दिया है, हम जरूर जाएंगे और ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि अब जो भी सच्चाई है और जो भी क्या बोले गोर्खालिक पार्टी की तरफ से जो जेन्युइनली जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं, जो सरकार की चापलूसी करने के बजाय जनता के प्रश्न को उठा रहे हैं, और कौन सरकार के पक्ष की सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, जनता के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, सारे चीज़ों का खुलासा होने का वक्त आ गया है और अच्छा है ये।